पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम पुण्य काल में हैं, चालीसी काल में, और इस पुण्य काल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक ऐसा काल है जिसमें हम सभी एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लेते हैं। हमें से बहुत सारे लोग उन निर्णयों में खरे उतरते हैं, बहुत सारे शायद हताश और निराश भी हो जाते होंगे। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दे, ऐसी शक्ति दे कि जो भी निर्णय हम चालीसी काल में लें, अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए लाभदायक हो और हम उन निर्णयों पर बने रहें। प्रभु हमें एक नया जीवन शुरू करने की एक शक्ति और आशीष दे। आप सभी के विशेष निवेदनों को आज की मिसा में मैं चढ़ाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु विशेष रूप से इस चालीसी काल में आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन यज्ञ में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। हमें ऐसा मनोभाव प्रदान कर कि हम न्याय संगत बातें सोचें, उन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए सदा तत्पर रहें। इस तरह हम तेरे आज्ञा के अनुसार जीवन बिता सकेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य संख्या 15 से लेकर 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे
यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यर्दन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिसमस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आठवीं क्लास में जब मैं था, एक घटना याद आती है। मिशन स्कूल थानला में पढ़ाई कर रहा था। कहानियां और कविताएं पढ़ने का शौक बचपन से था और एक आदत मुझ में थी कि कोई लाइन या कुछ पंक्तियां मुझे अच्छी लगती थी उसे मैं अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिख के रखता था। और एक मर्तबा मैंने कोई कहानी पढ़ी, उसको शायरी कहूँ या कविता कहूँ, मैंने हिंदी की नोटबुक में एक किनारे पे वो चार लाइनें लिख दी और भूल गया था कि वो होमवर्क की किताब थी। और होमवर्क के लिए मैंने वो कॉपी सबमिट कर दी और जब हमारे सर जो हमको पढ़ाते थे, अगर आप सुन रहे हैं, जोसेफ डामोर सर जो हमको हिंदी पढ़ाया करते थे, जब उन्होंने मेरी कॉपी को देखा और उन्होंने कॉपी के कॉर्नर पर, किनारे पर ये चार लाइनें लिखी हुई देखी, मुझे बुलाया उन्होंने और उन्होंने पूछा, क्या ये चार लाइनें आपने लिखी हैं? मैं बहुत डर गया था कि सर आज मारने वाले हैं या डांटेंगे। तो डर के कारण से मैंने कहा, सर हाँ, ये चार लाइनें मैंने लिखी है इस कॉपी पे। और सर ने मेरी पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि बहुत ही अच्छी लिखी है, ऐसे ही लिखते रहो। और जोसेफ सर, आज आप अगर सुनते होंगे मुझे, तो एक बात कहना चाहूँगा, उस दिन जो आपने पीठ थपथपाई और कहा कि ऐसे ही लिखते रहो, एक दिन बड़े लेखक बनोगे, और वो शब्द कहीं ना कहीं मेरे दिल में बैठ गया कि मैं एक दिन बहुत बड़ा लेखक बनूंगा। और उस दिन से मैंने और भी ज्यादा कहानियों की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और उस दिन से कई उपन्यास पढ़ डाले। और एक आदत जो सर ने कहा कि आप आगे चलकर एक बहुत बड़े लेखक बन सकते हैं क्योंकि आप में वो गुण है, मैं हर वो कठिन शब्द, हर जो अच्छे शब्द जो मुझे मिलते थे, हर जो अच्छी लाइनें मिलते थे, हमेशा लिख कर रखा करता था। और मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने लेखन की, जो प्रभु ने मुझे जो प्रतिभा दी है, उसको जरूर उभारूंगा। और लिखता गया, पढ़ता गया, और आज कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा लेखक तो नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं वो सर की जो बातें थी और कहीं ना कहीं मेरी जो आदत थी, मेरे जो निर्णय थे, आज मुझे इस कदर खड़ा कर दिया कि मैं दो शब्द लिख सकता हूँ, कुछ बातें लिख सकता हूँ प्रभावी तरीके से। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ, मूसा लोगों से कहता है कि देखिए, आज आपके सामने मैं जीवन और मृत्यु दोनों रख देता हूँ, अच्छाई और बुराई दोनों रख देता हूँ। और इस कदर उन्होंने, मूसा ने अपने लोगों से कहा कि देखिए, याद कीजिए वे दिन जब प्रभु ने, ईश्वर ने आपको गुलामी से लेकर आया, और इसीलिए तुम्हारा उसके प्रति विश्वस्त बने रहना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और इसीलिए वे आखिरी शब्द कहते हैं कि तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख देता हूँ, अच्छाई और बुराई दोनों रख देता हूँ, चुनाव तुमको करना है, ये तुम पर निर्भर करना है कि तुम जीवन चुनोगे, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुमको मृत्यु चुनना है, तुम चुन लो। पर आज के पहले पाठ में, आखिरी भाग में, हम सुनते हैं कि किस प्रकार से मूसा एक माँ के समान अपना हृदय खोल देता है और धीरे से कहता, मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुनो, तुम और तुम्हारे संतति हमेशा जीवित रहेगी। याद कीजिएगा आपके माता पिताओं को, कभी कभी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और धीरे से आकर फिर तुम्हें, तुम रात को जब सोते हो, तुम पर चादर या कंबल उड़ाकर कहती है कि मेरे बेटे को कभी भी ठंड ना लगे।
मूसा ने वैसा ही किया। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन का चुनाव करो और सदा जीते रहो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम चालीसे काल में हैं और चालीसे काल में हम में से बहुत सारे लोग बुराइयों को त्यागने का निर्णय लेते हैं, बुरी संगति को त्यागने का निर्णय लेते हैं, बुरे जो हमारे बुरे कार्य हैं पापों से छुटकारा पाने का निर्णय लेते हैं ताकि एक नया जीवन शुरू कर सकें। आज आपसे कहना चाहूँगा, वो छोड़ने की बातों को छोड़ दीजिए, आज वो त्यागने की बातों को आज छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, कुछ नया करने की कोशिश कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी, ये बुरी आदत छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, वहाँ जाना छोड़ दूंगा, ये संगति छोड़ दूंगा, पर आप में से कितने लोग उन सारी बातों पर विजय प्राप्त की है? और इसलिए आज जब आपने चालीसे काल में प्रवेश किया है, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, वो भाव छोड़ने के भाव को त्याग दीजिएगा, कुछ करने का भाव मन में लाइएगा, कुछ अच्छा कार्य करने का भाव मन लाइएगा और अपनी बुलाहट को ध्यान में रखकर उस बुलावे के अनुसार अपना जीवन जिएगा। फिर चाहे आपका बुलाहट शादीशुदा जीवन क्यों ना हो, फिर चाहे आपका बुलाहट पुरोहित और धर्म भाई या धर्म बहनों का जीवन क्यों ना हो, याद कीजिएगा, आपकी बुलाहट आपको कौन सा जीवन जीने के लिए बुलाती है और उस बुलाहट के अनुसार अपना जीवन यापन कीजिएगा, स्वतः आपकी बुराइयां अपने आप चली जाएगी। और इसलिए जब हम चालीसे काल में हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के वचनों के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा हम अच्छे कार्य कर सकें और इस तरह प्रभु के प्रिय शिष्य और शिष्याएं बने रहें। ईश्वर इसमें हम सभी की सहायता करें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों की अनुनय विनय पर कृपा दृष्टि डाल, अपनी प्रजा की भेंट तथा प्रार्थनाएं स्वीकार कर और हम सबका हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार के कार्यों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, वो सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है आइए प्रभु के हाथों में हमारे वे सारे निर्णय प्रभु के हाथों में रखें जो हमने सोचा है कि इस चालीसे काल में हम करेंगे। प्रभु हमारे निर्णय को आशीर्वाद दे और उसी प्रार्थना के द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पित करें जो प्रार्थना प्रभु ने अपने शिष्यों को और हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल वो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस का शरीर और हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर
जिस परम पवित्र संस्कार को तूने हमारी मुक्ति एवं सुरक्षा के लिए प्रदान किया है, ये वर्तमान और भविष्य दोनों में हमारी औषधि बने रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। लागो से तम आए।